मैनुअल कर मैनुअल कर। केबल चलवाओ ना यार। बस ठीक है। आपने देखिए इधर खड़े हो मेडल। आप भाई उधर आएंगे तो कैमरे में आएंगे मैडम के साथ हैं। हाँ मजहब तो इधर आ मैडम के साथ आएंगे तो इसमें आएंगे। इससे तुम थक जाओगे, इससे तुम थक जाओगे, तुम इधर खड़े हो जाओ। मेरी इतनी लंबी टॉक नहीं होगी, आपने बस हिम्मत करनी है, 3 मिनट की टॉक होगी। जैसे माइक पकड़ा हुआ उसका उसका लोगो ही पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है रुकिए, मैं यहाँ फ्रेम एडजस्ट कर लो। बताइएगा सारे ठीक है भाई। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज हमायूं दिलावर से जज अबू असनाद जुल्करनैन से जज बशीर से जज कुदरतुल्ला का सफर जो है बड़ी तेजी से वो तय कर लिया गया है और आज इस वक्त अंदर अडियाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा इमरान का निकाह का और इद्दत के मामले पर इस वक्त कार्रवाई जोर शोर से इस वक्त जारी है। खावर मानिका साहब अपना बयान दे चुके हैं, ओन चौधरी साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, एक मुफ्ती साहब रह गए और एक घर का मुलाजिम रह गया। मगर कल रात भी तमाम वाकियात आपको मालूम है कि कल 10:30 बजे तक रात को प्रोसीडिंग्स चलती रही, कोर्ट टाइमिंग 3:30 बजे तक खत्म हो गए और लगातार बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव डेज में आपके आगे 3 मुख्तलिफ केसेस कंक्लूड होते हुए आपको नजर आए हैं। साइफर केस कैसे कंक्लूड हुआ आपके सामने है, 3 दिन उसका फैसला नहीं आया। आज का रिकॉर्ड है कि तोशाखाना का फैसला जज बशीर सुना गए, आज दिन तक वो फैसला किसी ने नहीं पढ़ा और आज हमारी पेशन गोई है और वो पेशन गोई बिल्कुल गलत नहीं होगी। मोजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्ला ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सजा सुना दी है। तो इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं, क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की 3री हैट्रिक होने वाली है और वो हैट्रिक 8 तारीख से पहले, जैसे एक बॉलर को प्रेशर होता है कि 2 में सजा ले ली है या 2 विकेटें ले ली हैं, अब 3री विकेट लेनी है, तो वो 3री विकेट अभी चंद ही देर में ऑफकोर्स उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, उसी वायलेशन ऑफ लॉ में ये 3री विकेट जो है इस वक्त गिरने वाली है। ये मामला मियां बीवी का ये बड़ा एक सेक्रेट रिलेशनशिप होता है जिसकी मुझे बहुत अफसोस है कि तमाम केसेस में ये केस भी चुना गया। फॉरेन फंडिंग था, वो भी अजीबो गरीब केस था कि आपको बाहर से पैसे क्यों मिल रहे हैं, बहरहाल उसको भुगता। साइफर केस वन ऑफ इट्स काइंड कि आपने साइफर को रिवील कर दिया, वो भी इससे पहले कभी किसी की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, वो भी भुगत ली। तो ये भी जो मामला है जो खावर मानिका साहब का जमीर इतनी देर से जागा है और ये जो इतनी ताखीर से इस्तगासा आया है 6 साल की देरी से, ये टाइम लाइन ही बहुत है आप लोगों के लिए। और पहले इसको कोई और इस्तगासा बनाकर डालता है, वो इस्तगासा खारिज हो जाता है, फिर खावर मानिका साहब आते हैं, उसमें ओन चौधरी साहब गवाह बनते हैं और ये सारा मामला आपके सामने आता है। मगर बुशरा बीबी की किसी भी बेटी ने या किसी फैमिली मेंबर ने इस इस्तगासे का साथ नहीं दिया, अपने वालिद का साथ नहीं दिया इस झूठे और बेबुनियाद मुकदमे पे। खावर मानिका साहब खुद भी आजम खान साहब की तरह, उनके ऊपर भी एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ और वो 1.5 महीना पुलिस कस्टडी में रहे,
तो ये तमाम मामलात जो हैं ये जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, आज मुझे लगता ये है कि तकरीबन अडियाला जेल में कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, अडियाला जेल में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तमाम मुकदमात में। और आज के बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अब जो होगा वो एपिलेट्स कोर्ट में होगा, वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। अडियाला जेल में सरकार ने जो लेना था आज शाम तक ले लिया जाएगा, इसके बाद यहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इमरान खान साहब की जमानतें 6 लाहौर में बहाल हुई हैं और 6 ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बकाया हैं। कुल 12 या 13 जमानतें उनकी हैं जो आने वाले दिनों में उन पर बहस होगी और उनको फाइनलाइज इंशाल्लाह हम करेंगे। अपील्स का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हर कानून में दिया जाता है। वो अपील्स फाइल होंगी, फैसले आएंगे तो फाइल होंगी ना, फैसले ही नहीं आ रहे, और फाइल होंगी अपील्स और हमारी उसके बाद यही दरख्वास्त होगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एटलीस्ट हमारे केसेस सुन लिए जाएं। फैसला उसमें जो भी आए, मगर अपील की सुनवाई एक हक होता है कि वो जल्द से जल्द, जिस तरह ये ट्रायल्स कंक्लूड हुए हैं, वो अपीलें लगें। मैं आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सियासी मुकदमे हैं इसको हम सब बहुत सालों से देख रहे हैं, मगर अब सियासी मुकदमे भी अब जैसे ट्रीट होने शुरू हो गए और जो ट्रेंड सेट हुए हैं वो बड़े खतरनाक ट्रेंड्स हैं। मुझे याद है कि पिछली दौरी हुकूमत में भी सियासी इंतकाम के जो केसेस चलते रहे, एटलीस्ट गवाहों पे जिरा 16 दिन 17 दिन 21 दिन चलती रही, यहां पर तो वकीले सफाई को राइट और हक ही खत्म कर दिया। आज आप सुन लेंगे कुछ ही देर में कि तीसरी विकेट भी गिर गई है, वकला और लीगल टीम अपना काम जो है वो बदस्तूर करती रहेगी। नाइंसाफी चल रही है मगर एक लिमिट होती है नाइंसाफी की। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ये दिन बदलेंगे और ये फिजा बदलेगी एंड देयर विल बी अ चेंज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बता दीजिएगा कि सजा के हवाले से ये आवाजें उठ रही है कि सजा 10 साल है, 14 साल है, 24 साल है, ये बस ये क्लियर कर दें। देखिए होता ये है कि ये अब कानूनी सवाल है आपका, ये सजाएं एक खत्म होने के बाद दूसरी शुरू नहीं होंगी, इस सब की सब सजाएं एक वक्त पर शुरू होती हैं। 10 साल वाली भी परसों से शुरू हो गई चौथ से, और 14 साल वाली भी परसों से शुरू हो गई, और आज वाली भी मैं आपको पहले ही पेशन गोई कर देता हूं वो भी सजा आज से शुरू हो गई। तो जो इनमें सबसे लंबी सजा होगी अगर वो 14 साल है, तो कानून के मुताबिक जो आपका सवाल है, कानून के मुताबिक जो सबसे लंबी सजा होती है बस वही गिनी जाती है। वो ये नहीं होता कि आप एड अप करते हैं कि 10 साल इसमें, 14 उसमें, 5 उसमें, तो मिला के 30-35 साल बन गए, ऐसा नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह। सर कुछ कानूनी माहरीन कहते हैं कि जो पिछले ट्रायल के दौरान का वक्त था वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। थैंक यू।